वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं तृप्ति सक्सेना और आज मैं बनाऊंगी सिवैया की बर्फी। आपने बहुत तरीके की बर्फी खाई होगी बट सिवई की बर्फी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही डिलीशियस होती है और ये रेसिपी मैंने अपनी मम्मी से सीखी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सिवई बर्फी बनाना। तो उसके लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है एक बार देख लेते हैं। एक कप सिवई, आधा कप मिल्क पाउडर, एक छोटा ग्लास आप देख सकते हैं मैंने दूध का लिया है, एक चम्मच खोया, बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और एक बड़ा चम्मच शक्कर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सिवई की बर्फी बनाना। सिवई की बर्फी बनाने के लिए हम ये डालेंगे देशी घी एक चम्मच। देशी घी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें अभी सिवई को भूनना है। अगर आपके पास सिवई भुनी हुई रखी है तब तो कोई बात नहीं है, और अगर आपने सिवई को नहीं भूना है तो आप एक छोटी चम्मच देशी घी में सिवई को अच्छे से भून लेंगे। तो ये मैं डाल रही हूँ सिवैया और इसे अच्छे से हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत अच्छे से हमें इसे भून लेना है। जैसे ये हमारी गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएगी तब हम इसमें डालेंगे शक्कर, मिल्क पाउडर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी ये सिवई जो है ये देखिए रोस्ट हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये इस तरीके से भुन गई है, गोल्डन ब्राउन में देखिए आ गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं खोया और इस खोए को भी अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास खोया है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, लेकिन है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कहते हैं ना मिठाई में जितनी ज्यादा चीजें पड़ेंगी मिठाई उतनी अच्छी बनती है। तो आप देखिए और अब हम इसमें डाल देंगे ये मिल्क पाउडर और डाल देंगे ये शक्कर और इन्हें पहले अच्छे से मिला लेंगे आपस में तरीके से। फिर हम डाल देंगे दूध, आप चाहें तो इसमें गरी का बुरादा भी ऐड कर सकते हैं। जितनी चीजें आप डालेंगे उतनी अच्छी आपकी मिठाई बनेगी। तो चलिए अब हम डाल देते हैं इसमें दूध। तो ये मैं दूध डाल देती हूँ। दूध ज्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि आपकी जो सिवई है ये आपस में अच्छे से मिक्स्ड हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। और आप चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कलर ऐड करने की जरूरत है, आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा कलर ऐड करना चाहिए तो आप बेशक कलर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं यही कलर सही है तो आप यही कलर रखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए ये सारा जब कढ़ाई से छोड़ने लगेगा तब हम इसे एक ट्रे में या प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी जल्दी मिठाई बन गई है। थोड़ा सा कलर ऐड कर ही देते हैं, बिल्कुल लिटिल बिट कलर, ओके ज्यादा नहीं ऐड करना है, बिल्कुल जरा सा कलर मैं ऐड कर रही हूं जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसे मिक्स कर देंगे। आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि इतने नए नए आइडियाज खास तौर से मिठाई के आइडियाज मेरे पास कहाँ से आते हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरी मम्मी बहुत सारी नई नई डिशेस खास तौर से स्वीट की डिशेस उन्हें बनाना बहुत पसंद है और वो अक्सर नए नए आइडियाज निकाल निकाल के डिशेस बनाती हैं, तो वो मुझे भी बता देती हैं, तो मैं उन्हीं की सारी डिशेस को फॉलो करती हूँ और आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स बात करते करते हमारी मिठाई भी रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रे में इस तरीके से ऑयल को ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि हमारी ये जो मिठाई है वो बहुत अच्छे से निकल आए। हम इस मिठाई को इसमें डाल देंगे
अच्छे से हमें इस तरीके से टैप कर देना है। और अब हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स, अच्छे से फैला दीजिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सेवई की बर्फी हमारी रेडी हो गई है और इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद हम इसे निकालेंगे और इसकी करेंगे एक सुंदर सी प्लेटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम रख देते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो मिठाई है वो रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी करते हैं एक सुंदर सी प्लेटिंग। इस तरीके से देखिए कितने आसानी से ये पूरा निकल आ रहा है। तो ये हम निकाल दे इस प्लेट में, इसको आसानी से देखिए इस तरीके से निकल आई। इसे इसमें रख देंगे और अब हम इसके करेंगे पीसेस। फ्रेंड्स, हमारी सेवई बर्फी रेडी हो गई है और आप इसे जरूर बनाइएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको हमारी बनाई हुई ये बर्फी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।